ओके बीएससी पार्ट सेकंड, नाउ वी कंटिन्यू इवोल्यूशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। बेसिकली व्हाट इज़ द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे जिम्नोस्पर्म है, ऐसे ही एंजियोस्पर्म भी प्लांट हैं, टाइडोफाइट्स भी प्लांट हैं और ब्रायोफाइट्स भी हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की जो समानता है वो एंजियोस्पर्म और टाइडोफाइट्स के साथ ज़्यादा समानता है। तो इन समानताओं के रहते हुए जो इवोल्यूशन में जो नए जिम्नोस्पर्म के अंदर जो नए कैरेक्टर डेवलप हुए हैं उसे हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जो इसकी रिजेम्बलेंस है फीचर्स की टेरेटोफाइट से हो या एंजियोस्पर्म से हो, उसे ही हम इसमें एवोल्यूशनरी लाइंस के अंदर या एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में कंसिडर करते हैं। ओके बेसिकली जो एंजियोस्पर्म हैं जिन्हें हम आवृत बीजी कहते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार के सीड प्लांट्स हैं। मीन्स जिम्नोस्पर्म को सबसे प्रिमिटिव प्रकार का सीड प्लांट माना जाता है, जो कि पैलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन काल मीन्स डिवोनियन एरा में इनका डेवलपमेंट हुआ था। इस समय ये बनना प्रारंभ हुए थे या ओरिजिनेट होना प्रारंभ हुए थे। अगर हम फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करें, मतलब फॉसिल पादपों का अध्ययन किया जाए, तो इन्हें आवृत बीजी पादपों का पूर्वज या एंसिस्टर माना जाता है। मीन्स अगर फॉसिल प्लांट के विभाव जो जिम्नोस्पर्म में जितने ही फॉसिल प्लांट हैं अगर इनकी स्टडी करते हैं, तो इनकी जो रिजेम्बलेंस है अनावृत बीजी जिसे हम कहते हैं नेकेड सीड प्लांट्स, मीन्स नेकेड सीड प्लांट आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है और एंजियोस्पर्म को कवर्ड सीड प्लांट कहा जाता है। तो जो नेकेड सीड प्लांट के जो फॉसिल्स हैं, मीन्स नेकेड प्लांट का ओरिजिन जिन प्लांट से होता हुआ है, उन्हें प्रोजिम्नोस्पर्म नाम दिया गया है। इन प्रोजिम्नोस्पर्म का ओरिजिन अपर डेवोनियन पीरियड में हुआ था। प्रोजिम्नोस्पर्म के काफ़ी फीचर्स यानी काफ़ी लक्षण एक तरफ साइकेडोफाइटा और दूसरी तरफ फर्न के समान थे। यानी प्रोजिम्नोस्पर्म जिसे हमने नाम दिया है और हमने कहा है कि ये जिम्नोस्पर्म के एंसेस्टर हैं, तो इनके जो लक्षण हैं जो कैरेक्टर हैं वो साइकेडोफाइटा और फर्न से समानता दर्शाते हैं। और मीसोजोइक महाकल्प में टैडोस्पर्मेल्स और साइकेडेल्स जो लिविंग ग्रुप थे, ये धरती पर प्रमुख रूप से पाए जाते थे। इसके बाद मीसोजोइक इरा के कार्बोनीफेरस पीरियड और त्रियासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड के शुरू में कुछ समूह का बनना, जैसे कि कॉर्डेटेल्स है, वोल्टेजियल्स है, कैटोनियल्स है, बैडिटाइटेल्स है, का ओरिजन होना प्रारंभ हो गया था या ओरिजन इनका शुरू हो गया था। अगर हम संवहनी पादप मीन्स वैस्कुलर प्लांट सर्वप्रथम उच्च सिल्यूरियन काल में उत्पन्न हुए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ओरिजिन एंड ओरिजन ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, या विच टाइम इज वैस्कुलर प्लांट्स इज ओरिजिनेटेड इन विच टाइम, तो आप कहोगे उच्च सिलूरियन काल या अपर सिलूरियन जो पीरियड था उस समय वैस्कुलर प्लांट्स का ओरिजन हुआ था। टाइडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म, ऐसा माना जाता है कि टाइडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है। प्रो जिम्नोस्पर्म मजबूत संवहन तंत्र युक्त वृक्ष होते थे जिनमें द्वितीयक कास्ट मौजूद थी। अगर हमने कहा कि प्रोजिम्नोस्पर्म से ही जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है, तो प्रोजिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा फीचर है जो जिम्नोस्पर्म से रिजेम्बलेंस शो करता है? जिम्नोस्पर्म के हमने जो डिविजन्स का डिस्कशन किया तो देखा कि इसके जो मोस्ट ऑफ प्लांट थे एक मजबूत ट्री के फॉर्म में थे, इसमें सॉलिड ट्रंक या मजबूत तना पाया जाता था। इसी तरह जो प्रोजिम्नोस्पर्म प्लांट हैं इनमें भी मजबूत तना पाया जाता था और सेकेंडरी बूट प्रेजेंट थी, मीन्स यहाँ भी रिसर्च वृद्धि पाई जाती थी। अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग या मीन्स जिम्नोस्पर्म जो टर्म है वो सबसे पहले थियोफ्रस्टस इज अ बॉटनिस्ट, इन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म जो टर्म थी उसको यूज़ किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इंटू प्लांट्स। उस बुक के अंदर थियोफ्रस्टस ने एट फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म या जिम जो था इसके बारे में बताया और जिम्नोस्पर्म शब्द का सबसे पहले यूज़ किया। जिम्नो का मीनिंग है नेकेड, स्पर्म का मीनिंग है सीड, मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें के फल भित्ति या पेरिकार्प का अभाव होता है, ऐसे
बीज जिनमें कि बीज कवर नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। यह एक अति प्राचीन व विभिन्न प्रकार के जीवाश्मियों व जीवित पादपों के का समूह है। इस समूह से प्राप्त सभी सदस्यों को टेरिडोफाइटा से आपस में व एंजियोस्पर्म से लक्षणों में कुछ समानता और कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन ही विकास या प्रवृत्ति या इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म की जो टेरिडोफाइटा से और एंजियोस्पर्म से समानताएं हैं, जो एफिनिटीज़ हैं, इन एफिनिटीज़ को ही हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स कहते हैं और इन्हीं को इसमें डिस्कस करते हैं। इन विकासीय लक्षणों का हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है एवोल्यूशन इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, सेकंड है एवोल्यूशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फर्स्ट जो एवोल्यूशन इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा स्टेम। तो इसमें स्टेम था टेरिडोस्पर्मल, साइकेडियोडेल, साइकेडेल, सबेंटेटेल्स। इनका जो स्टेम था, तना था, वो अनब्रांच्ड होता था, जबकि जो कॉर्डेटेल्स हैं इनमें बेलनाकार तने पर केवल ऊपर की ओर शाखन पाया जाता था, और कॉनिफेरल्स, गिंगोएल्स व नीटेल्स में तना प्राय अधिक शाखित होता गया। शाखाएं इसमें द्विरूपी या डायमॉर्फिक प्रकार की होती थीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शुरू में बेलनाकार तना अशाखित था, परंतु विकास के दौरान मीन्स इवोल्यूशन के साथ साथ इसमें जो ब्रांचिंग का पैटर्न है या शाखन है वो बढ़ता गया, और कॉर्डेटेल्स एक प्रकार से साइकेडेल्स, साइकेट्स और कॉनिफर्स के मध्य की कड़ी के रूप में है, जिसमें शाखन सिर्फ ऊपर की ओर ही होता था। यदि अगर हम बात करते हैं कॉनिफेरल्स से साइकेडेल्स की, तो इनमें ब्रांचिंग से अपर डायरेक्शन में होती थी, नीचे इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती थी। अगर हम बात करते हैं इसकी लीव्स की, तो सभी जिम्नोस्पर्म में मेगाफिलस और माइक्रोफिलस दो प्रकार की लीफ पाई जाती थी। प्रिमिटिव्स जो ग्रुप हैं, जैसे टेरिडोस्पर्मल्स है, बैंटीटेल्स है, साइकेडेल्स है, मैं इसमें जो लीफ थी वो पत्तियाँ गुरुपर्णी और कॉनिफेरस, टेक्सेस, नीटेल्स, इफिडेल्स जो कि विकसित समूह माने जाते हैं, इनमें पत्तियाँ लघुपर्णी पाई जाती हैं। मीन्स जो जिम्नोस्पर्म डेवलप हैं, एंजियोस्पर्म से समानता शो करते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, उनमें जो लीफ हैं वो माइक्रोफिलस या छोटी छोटी पत्तियाँ प्रेजेंट थीं, और जो प्रिमिटिव या पुराने जिम्नोस्पर्म हैं जो कि प्रो जिम्नोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं, उनमें मेगाफिलस लीव्स पाई जाती थी। एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम एनाटॉमी का डिस्कशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें जो एनाटॉमी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ जो वैस्कुलर सिस्टम है वो अभी भी लगभग वही वैसा ही है जैसा कि प्रिमिटिव टाइम में हुआ करता था। जो विलुप्त हो गए हैं, जो फॉसिल फॉर्म में हैं, या जो बैंटेटेल्स या कॉर्डेटेल्स हैं, उनकी एनाटॉमी और आज के प्लांट की एनाटॉमी काफ़ी समानता दर्शाती है, काफ़ी रिजेम्बलेंस को बताती है। जीवाश्मीय व जीवित जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाली समान संरचना है। अगर हम जीवाश्मीय मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि एनाटॉमी दोनों की समान है, दोनों में सिमिलरिटीज़ है, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनमें रिजेम्बलेंस या समानता को या एफिनिटी को शो करते हैं, तो सबसे हम पहले बात करते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल की। तो इनके स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त संपार्श्विक और खुले प्रकार का संबंध तंत्र इसमें पाया जाता है। जाइलम एंडार्क प्रकार का होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म के सभी मेंबर्स में फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इनका अभाव होता है।